राजस्थान की पावन भूमि गांव अभीपुर में भजंती क्रियो का प्रोग्राम चल रहा है। इसका रिकॉर्डिंग करता है लोहागढ़ की आनवान शान पंडित रोहतास शर्मा, डीजे साउंड सांडो में साउंड रोहतास पंडित शर्मा, और ढोलक पर संगति कर रहे भाई पवन पुत्र पवन जी खनौली वाले, और जीका की झनकार दिखा रहे भाई उशियार जी बाजना वाले। आपके सामने चिकड़ी का छोटा सा गायक लड़कन सिंह सीख बेला राजस्थान, आइए सुनेगा। नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं स्नेह, ऐसे के घर मत जाइए चाहे कंचन बरसत। भाई दलवीर जी ने बहुत ही अच्छा सुनाया, और मैं परिचय करा दूं, भाई दलवीर जी ब्रजवासी बता रहे थे। ये भाई दलवीर जी सिंसनवार फौजदार हैं, हमारे भाई बंद हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, पर उन्होंने बताया नहीं कि मैं सिंसनवार हूं, खाली ब्रजवासी में चली गई। इसलिए एक गाना मनोरंजन से भरपूर गाना, एक गाने की फरमाश हुई है। वैसे ये जिकड़ी का दौर तो समापन हो चुका है। पार्वती मैया भोले बाबा ते कह रही है, मेरा जीवन बीतेगो तुम्हारे द्वार पे, आपने कोई आज तक पुण्य का कार्य किया, मेरे कहते को छोटो सो काम कर दो। भोले बाबा कह रहे पार्वती घर भी तेरा है, बोल तू क्या करना चाहती भाई, सुनो कैसे करेगी मार साहब। अरे भोला मेरे सैया मेरे, छोटी सी कथा कराए दे कराए दे कराए दे कराए दे। अरे भोला ये का छोटी सी कथा कराए दे, पर जम रडू अनपूर्णो तिजी सुन गोरा की बात सामने लड़वाई भी प्रभु लायो है। अरे सुन गोरा की, देखो या पांडाल में रड़ुआ बैठे हो, कोई रड़ुआ पांडाल में बैठे हो तो बिल्कुल तैयार रह जाइयो शाम को समय, और भैया में मिले बारी है। भैया जी सुन गोरा की बात सामने लड़वाई में प्रभु लायो है, विधि विधान से भोले बाबा हवन यज्ञ करवायो है। तिलक लगाए के आए गए रड़ुआ, मन में मोदु मनायो है, हंसी खुशी से पार्वती ने भोजन इन्हें करायो है, भोजन इन्हें करायो है, भोजन इन्हें करायो है। पार्वती मैया से भोले बाबा कह रहे तेरा भोजन अधूरा है, जब तक तू दक्षिणा नहीं देगी। लोग रे वारे हमारे सम्मानीय मोती मास्टर जी हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, आशीर्वाद रूप में निकाल रहे हैं। भोले बाबा ते पार्वती मैया कह रही है दक्षिणा के नाम पे, अरे सुन गोरा की बात सामने मासा, गोरा बोली भोला के एक थान जो मैंने ठानी है। अरे गोरा कह रही भोला के एक थान जो मैंने ठानी है, देव दक्षिणा में इनके काजी, देव दक्षिणा में इनके काजी, एक एक भैया रिवानी है। हरसा उठा लो भोला ने, फरसा उठाए लो भोला ने, मन में करी न गिलानी है, दुआ दुआ फार करिए रड़ुअन की। ए भोले बाबा को बरसा चल लो, और जा रड़ुआ में दे दिए भाई रड़ुआ दुआ फार है जाए। भोले बाबा ने क्या किया, जिन
समय ते दुआ दुआ फरनाई करी ये गंगाई बनाए दई भैया और ये गंगा बनाए दो मांस। अबे रडुआ अपई भैया ने ले लेके अपई घर रखू जा रे और मां साहब जो माते आ जाएगा वे कह रहे जो बताओ ने भैया ने कहां से लाए। तुम तो हमारे आगे भोले बाबा ने दुआ फार कर दई भाई तुमने ना पतो भोले बाबा पे ऐसो जादू है वो फार ना करी ये कंगई बनाए दई भैया और दूसरे कंगा बनाए दो मांस। इतने का सुने के तो रडुआ पहुंच गए भाई बाबा बिना में तो करी दुआ दुआ फारा हम में तो कर दे चार भा तीन बनाए दे भैया और एक बनाए दे मांस। भोले बाबा ने भी कह दिया नो चांस जो ऑफर आया था बाका समय पूरा है वो पर रडुआ ना बेकार रुक जाए बाबा ने कह दिया खेले कोई बड़ो छोटो ऑफर निकल रहा हुए तो भोले बाबा कह रहे एक ऑफर तो निकल रहा है भाई जंगल को जाओ क्या जा जाओ की हड्डी मिल जाए भाई हड्डी ले आओ भैया ले जाओ। रडुआ छूट गए जंगल में चाहे भैंसिया की हड्डी मिल गई ए पूरे मुंडे दल्लायो कंधा पे बाबा मैं का दे भैया दे दे। भोले बाबा ने वही प्रकार ही मोटी ताजी भैया दे दे बेटा जा चाहे सुगर या हड्डी मिल गई सुगर या हड्डी की भैया जानते हैं तो वहां चूने छान जाएगी चार गन्नम हो जा क्या आवेगी जैसे पामने विवाही फट रही है चाहे मुंडे में जुआ पर रे पर धोवती नेटकी मांग रही है और वो भी कह दिया था हां साहब चाकू जैसी हड्डी पाली लायो धूड़ में धारो है क्या बात है चाकू जैसी हड्डी पाई लायो ढूंढ बिचारो है जैसी हड्डी वैसी भैया तैगे और डमरू मारो है असली अंग की नारी तू जान रहो जग सारो है लखन कहे जी पर के बार मुए लगे जान से प्यारो है। हमने सम्माननीय मोतीराम जी गुरु जी के लिए एक शब्द छोड़ा था विसुजू ने रूप धरियो सतयुग में भंडा सुंडा क्यों पतझड़ के मौसम में होता पेड़ या टुंडा क्यों स्वर्ग लोक की गट्टी पे बैठे हो सौ गुंडन को गुंडा चो ब्रह्मा जी के दाढ़ी मूछे और दे मुझे मुंडा चो पर ये तो बड़ के बिना दाढ़ी ना लटक रही। सुनिए पाई दिना नर पैदा है पाई दिना नर पैदा है पाई दिना बाकी हो गया ही पर पाई दिना बाकी शादी है गई पाई दिना भाऊ आ गई घर पाई दिना बाप छोरा छोरी है गए पाई दिना पुत्र गयो है मर। सुनिए दोबारा से सुनिए अंत काम पड़ेगा और मो यहाँ तक लग रही है पार में ही काम पड़ जाएगा नेताजी नहीं जाए पार का मेला बहुत पुराना है पर क्यों बंद कर दिया पाई दिना नर पैदा है गयो पाई दिना नर पैदा है गयो पाई दिना बाकी हो गया ही पर पाई दिना बाकी शादी है गई पाई दिना भू आ गई घर पाई दिना बाप छोरा छोरी है गए पाई दिना वो तो गयो है मर जाको मास्टर अर्थ बताए नहीं ढोल लगा